हेलो गाइस, वेलकम टू बैक इन माय चैनल गाइस। यहाँ पर आज मैं एक जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ वो एक ब्राइटनिंग जेल है और बहुत ही अच्छा जेल है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से वो दिखाई देता है। तो गाइस, ये है मेरे पास इंडस वैली की ब्राइटनिंग डीप पिगमेंटेशन जेल। ठीक है, ये एक जेल है, इंडस वैली का डीप पिगमेंटेशन ब्राइटनिंग जेल है, जो कि स्किन को कहीं ना कहीं ब्राइट करने का क्लेम करता है। और गाइस, ये सो ऑर्गेनिक सो सेफ। ठीक है, इसमें यही ऊपर दिया गया है कि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इंडस वैली का है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और ये एक जेल है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी स्किन को, आपके फेस को ब्राइट करता है, आपके जो डलनेस है फेस की उसको कहीं ना कहीं ये दूर करता है और स्किन के टोन में कहीं ना कहीं सुधार लाता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इससे ओपन करके दिखा देती हूँ। तो इस तरह से ओपन हो जाता है और आप देख सकते हैं सारा प्रोडक्ट मैं लगभग इसका यूज़ कर चुकी हूँ। ओनली हाफ बोतल मेरे पास प्रोडक्ट बचा है इसमें। और ये किस तरह से दिखाई देता है ये भी आप देख सकते हैं, थोड़े से गोल्डन से टेक्स्चर में है ये। ठीक है, इसमें कोई गोल्डन पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि बहुत से आपने देखे होंगे गोल्डन कुछ सीरम वगैरह होते हैं, उस तरह से ये नहीं है। ये गोल्डन कलर इसका जरूर है, बहुत ही देखने में सुंदर सा लगता है। इसकी शाइन देखिए आप कितना अच्छा है, क्योंकि ये जेल है, क्रीम नहीं है, ये जेल है और लाइट गोल्डन कलर है इसका, बहुत ही सुंदर लगता है। मैं इसका टेक्स्चर थोड़ा सा आप लोगों को बाहर निकाल के दिखा देती हूँ। बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही इजीली आपकी स्किन पर, ये देखिए स्किन पर बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। मैं इसको अपने हैंड पर यहाँ पर आपको लगाकर दिखा देती हूँ, स्मूदली बहुत ही आसानी से आपके फेस पर ब्लेंड हो जाता है। किसी भी तरीके की थिकनेस फील नहीं होती है, कोई चिपचिपाहट इसके अंदर नहीं है। बहुत से जेल होते हैं जो कहीं ना कहीं चिपचिपे से फील होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा ओवर से लगते हैं, वैसा कुछ भी इसके साथ नहीं है। बहुत ही इजीली ब्लेंड होता है, बिल्कुल लाइट वेट है और आपके फेस पर, आपकी स्किन पर कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा सा ग्लो ये प्रोवाइड कराता है। बट इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपने थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया और इस तरह से उसको अपने फेस पर अप्लाई कर लिया इस तरह से, ठीक है, एक या दो बार आपको अपने फेस पर इस तरह से अपने हैंड से आपको अप्लाई करना है और वहीं छोड़ देना है, तो ये आपके फेस को बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड कराता है। बट अगर आप इसको ज़्यादा रब कर देंगे, मतलब आपको लगेगा थोड़ा ज़्यादा देर तक हम इसको रब करें, तो इसका जो ग्लो होता है वो कहीं ना कहीं, जो शाइन होगी वो कहीं ना कहीं हट जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट तो आपके फेस पर रहेगा बट वो स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा पूरी तरीके से और वो ऊपर जो है एक शाइन जो है वो दिखाई नहीं देगी। तो आप जब इसे लगाएंगे तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि मैं क्या आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप कुछ आप चाहते हैं कि आपके फेस पर एकदम इंस्टेंट सा ग्लो दिखाई दे, तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह से लेके और अपने फेस पर ऐसे लगाइए और वहीं पर इसको, ठीक है, हल्का सा हल्के हाथों से रब करके इस तरह से छोड़ दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस पर दिखाई ना दे, ठीक है, तो आप इसको कम से कम 2-3 बार अच्छे से इसको अपने फेस पर मसाज सी कर लीजिए 1-2 मिनट के लिए, तो ये आपके फेस पर जो ग्लो वगैरह है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा और ये पूरी तरह से आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा। तो बहुत ये जो जेल है इसको कौन यूज़ कर सकता है गाइस, कोई भी यूज़ इसको इजीली कर सकते हैं, मैन हो वीमैन हो, आप इस जेल को यूज़ कर सकते हैं। लगाने पर ठंडा सा लगता है, स्पेशली ये विंटर में भी आप इसको लगा सकते हैं, बट स्पेशली मेरे हिसाब से आप अगर समर में यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है ये जेल है ठंडा सा भी, इसका थोड़ा सा जो ठंडा सा ये लगता है लगाने पर, तो गर्मियों में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आइस के आसपास भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई इरिटेशन ये नहीं करता है। फ्रेग्रेंस की बात कर ले, बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही, मतलब एकदम मन को ना सुकून देने वाली, जैसे कि आप नहाते हैं, नहाने पर जो हल्की सी फ्रेग्रेंस, हल्की सी खुशबू आपके बॉडी में से आती है, कुछ उस टाइप की इसकी फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल मतलब एक फ्रेशनेस वाली फ्रेग्रेंस है। ठीक है, बहुत ही लाइट वेट फ्रेग्रेंस, इसकी बहुत ही लाइट वेट फ्रेग्रेंस है और बहुत ही आपको हर वक्त तरोताजगी का एहसास कराती रहेगी। और तो कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, मैन वीमैन, एज का कोई इसमें किसी भी तरीके का पाबंदी नहीं है कि कौन इसको यूज़ करे, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है, इंडस वैली का है, पूरी तरह से ये सेफ है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, तो आप इसको इजीली कोई भी यूज़ कर सकते हैं। रही बात इसके इफ़ेक्ट की, तो इफ़ेक्ट इसका अच्छा है। अगर मैं कहूँ ये आपको गोरा कर देगा, तो गोरा तो ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। ठीक है, ये कहीं भी आपकी स्किन को गोरा तो बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन
ऐसा भी नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी स्किन पर ब्राइटनेस तो ये लाता है, आपकी स्किन पर ग्लो भी ये लाता है, ठीक है, और एक हेल्दीनेस आपकी स्किन को प्रोवाइड कराता है, बहुत ही हेल्दी चीज़ है आपकी स्किन के लिए। तो आप इसको डे में भी आराम से लगा सकते हैं, नाइट में लगाना चाहें नाइट में भी लगा सकते हैं। और रही बात धूप की, तो मैं फिर वही सलाह दूंगी, धूप में डायरेक्टली आप ना निकलें इसको लगा के, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अगर हम धूप में लगाते हैं ना, तो वो अच्छे से रिजल्ट के बजाय और ज़्यादा नुकसान दे जाते हैं। तो इसलिए धूप में डायरेक्टली ना लगाएं, अगर फिर भी लगाना चाहते हैं तो आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन आपको अपने फेस को कवर करना होगा किसी भी चीज़ से, ठीक है। आप मतलब कहने का मतलब यह है कि आपके फेस पर डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए इसे लगाने के बाद। बाकी इसका रिजल्ट अच्छा है, गर्मियों में आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है, सर्दियों में यूज़ करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फेस पर हेल्दी ग्लो प्रोवाइड कराता है। रही बात किस स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, तो गाइज चाहे आपकी स्किन नॉर्मल है, चाहे आपकी स्किन ऑयली है, चाहे आपकी स्किन ड्राई है या फिर एक्सट्रीमली ड्राई है, सभी के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कोई स्पेशली ऑयली स्किन या स्पेशली ड्राई स्किन वाले इसको लगाएं, किसी भी स्किन वाले इसको लगा सकते हैं। रही बात नॉर्मल स्किन वालों के लिए, तो हर प्रोडक्ट आराम से सूट कर जाता है, वो तो कैसा भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट इसे कोई भी आराम से लगा सकता है। अब हम इसके बात कर लेते हैं प्राइस और क्वांटिटी की। तो गाइस की 50 ml की ये बोतल है, छोटी सी जार, प्लास्टिक का जार है ये, 50 ml का ये जार है, और इसके जो प्राइस हैं वो हैं 349 रुपीज़, ठीक है। 50 ml क्वांटिटी मिलती है 349 रुपीज़ में, बट फिर मैं वही बात कहूँगी, अगर आप इसको ऑनलाइन वेबसाइट से जाकर परचेज़ करते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ोन हो या फिर मीशो हो, आई थिंक ये शायद मीशो पर अवेलेबल नहीं है, आप फिर भी वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, तो फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पर इजीली अवेलेबल है, तो अगर आप वहाँ से परचेज़ करते हैं तो समय समय पर वहाँ पर डिस्काउंट चलते रहते हैं, तो आप इसको उस टाइम पर वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता आप लोगों को पड़ जाता है। और 349 इसके प्राइस हैं, जब मैंने इसे परचेज़ किया था तो उस टाइम मुझे ये ओनली 250 के अराउंड पड़ गया था। तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, हेल्दी ग्लो प्रोवाइड कराएगा आपके फेस पर एक शाइन बनाकर रखेगा, और कहीं ना कहीं जब फेस पर ग्लो आता है तो आपकी फेस की जो स्किन टो जो फेस का जो टोन है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइट लगता है, थोड़ा आपका फेस क्लियर लगता है। तो बेशक आप इसको परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये बाय करनी चाहिए, बाकी मुझे इसका कोई भी नुकसान तो दिखाई दिया नहीं है कि हाँ मैं इस चीज़ को आपसे बताऊँ, इसकी मुझे इस जेल की कोई भी ऐसी कमी नहीं दिखाई दी है, बहुत ही अच्छा जेल है, इजीली आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, इजीली आप इसको अपने फेस पर लगा सकते हैं, कोई एज बाउंडेशन नहीं है, कोई भी लगा सकते हैं और रिजल्ट इसका अच्छा है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और फिर मिलती हूँ किसी हेल्पफुल टॉपिक के साथ, हेल्पफुल प्रोडक्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।